Chanchal Gupta, thank you for your support, and you know, Tahi Mehmet, Bilal, Satya, Appu, Poonsuk Vangur. Sir, how many hours required to study in CS? Please clear the myths. Oh, Poonsuk Vangur. Poonsuk ji, and you know, this is a very different question जो अक्सर आता है दिमाग में एज अ स्टूडेंट मेरे दिमाग में भी आता था और सबके दिमाग में आता होगा. तो एक जनरल इसका परसेप्शन मैं आपको बता देता हूँ. देखिए, ऐसा कोई भी यू नो चीज़ नहीं है कि पर्टिकुलर दो चार पाँच छः घंटे आपको पढ़ाई करनी है तो आपका कंपनी सेक्रेटरी निकल जाएगा. दैट इज यू नो दैट इज नॉट अ सोल्यूशन. सोल्यूशन क्या है? आपकी कैपेबिलिटी, आपकी स्किल्स के हिसाब से आप घंटे चुनते हैं, ना कि किसी और के हिसाब से, ना कि एक सेट पैटर्न की आठ घंटे आप पढ़ोगे तो कंपनी सेक्रेटरी आपका निकल जाएगा. चाहे कंपनी सेक्रेटरी हो, चाहे किसी भी तरह का कोर्स हो, आपकी एबिलिटी, आपके स्किल के हिसाब से आप घंटे चुनोगे. आप उस कंफर्टेबल जोन को ढूंढोगे कि हाँ, आई एम कंफर्टेबल विद दिस आवर्स. दो घंटे पढ़ो दिन में भले ही, बट क्वालिटी के पढ़ो. छः घंटे पढ़ रहे हो, उसमें आप छः घंटे सिर्फ आप बुक खोल के बैठे हो, दैट विल यू नो एड ऑन नहीं करेगा. आप दो घंटे पढ़ो, आप एक घंटे पढ़ो, बट वो क्वालिटी के होने चाहिए. थैंक यू फुनसुक वांगड़ू फॉर यू नो सच अ लवली क्वेश्चन, बिकॉज दिस इज क्वेश्चन जो हर एक स्टूडेंट के माइंड में आता है. मेरे भी आता था और सबके आता है, और मैं आज भी स्टूडेंट हूँ. आई एम लर्निंग टूडे एज वेल. सो द थिंग इज कि कोई भी सेट पैटर्न ऑफ आवर्स नहीं है पढ़ने के लिए. जितना भी पढ़ना है, चाहे आप एक घंटा पढ़ो तब भी आप कंपनी सेक्रेटरी क्लियर कर सकते हो, आप दो घंटे पढ़ो तो भी आप कंपनी सेक्रेटरी क्लियर कर सकते हो. अगर आप छः घंटे भी पढ़ते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप कंपनी सेक्रेटरी या किसी भी तरह का प्रोफेशनल कोर्स या कोई भी कोर्स क्लियर कर लो. इट्स ऑल अबाउट योर स्किल्स, योर एबिलिटी, योर यू नो टैलेंट, कि आप उस घंटों में से इस तरीके से आप यू नो स्मार्ट मूव करके क्वालिटी ऑफ एजुकेशन निकाल लेते हो, वो आपके ऊपर है. सो नोबडी कैन टेल यू दैट कि आप आठ घंटे पढ़ लो, चाहे मैं हूँ चाहे कोई हूँ. सो नोबडी कैन टेल यू दैट. थैंक यू फॉर अ लवली क्वेश्चन. थैंक यू वेरी मच.